तीन ओवर का मैच रहेगा, दोनों टीम के कप्तान जान ले। संजू और जय की टीम पहली ओवर का प्रारंभ होता हुआ, नानू रेडम ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर आके खेलने का प्रयास, यहां पे चूके, एक रन का इजाफा, एक रन प्राप्त करते हुए संजू अपना व्यक्तिगत तथा टीम का खाता खोलते हुए। मेरे साथ अजय जी मांची भी है, हम उनसे भी बात करेंगे इस मैच के दौरान कि कैसे रहा ये सफर, ये एमपीएल का सफर। अपने दमन में भी और मोरवा गांव में भी कमेंट्री कर रहे हैं। समय के बारे में फिर से एक बार विनती रहेगी दोनों टीम से कि आप कॉपरेट करें। नानू फील्ड की सजावट करते हुए जय के लिए, जय अभी देख के एक उभरता सितारा है इस टेनिस क्रिकेट का। नानू के लिए यहाँ पे इनाम आता हुआ, एक विकेट अर्जित करने के पश्चात उसको ₹100 का नगद इनाम दिया जाएगा। संतोष के माध्यम से रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास जय के द्वारा, काफी अच्छी सूजी बूझी क्रिकेट का प्रयास, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, एमपीएल चौका। काफी अच्छी एक टेक्निक का प्रयास किया था, कुछ अलग करने का प्रयास जय का, एक सूजी बूझी क्रिकेट का मुजाहरा और अच्छा टेक्निक से ये खेला गया शॉट। चार रन का इजाफा, जय ने अपने चार रनों से खाता खोला, कुल संख्या बढ़ती हुई रनों की पांच पर। अगली गेंद नानू, इस बार स्लॉग स्वीप कर दिया और गेंद फाइन लेग रीजन के ऊपर से जाती हुई छह रनों के लिए। हवा के खिलाफ खेलते हुए एक अच्छी टेक्निक का प्रयास यहां पे किया जय ने, एक रिवर्स के माध्यम से चौका जड़ा, फिर एक स्लॉग स्वीप के माध्यम से छग्गा जड़ा, कुल स्कोर 11 रन। नानू अगली गेंद, फिर से रिवर्स खेलना चाहे थे, देखा लेग स्टिक से काफी बाहर जाती हुई गेंद, कुछ भी छेड़छाड़ करने की राह चाह नहीं जताई, गेंद जब तक विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, अतिरिक्त स्वरूप में एक रनों का इजाफा, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे। 12 रन, फाउंडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन क्रिकेट ऐसे कहा जाता है, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका लक्ष्य भी अच्छा होगा, इसका एक अनुमान लगा सकते हैं, उसी द्वारा ये क्रिकेट चलता हुआ इस मैच के दौरान। जय और संजू के एक सूजी बूझी क्रिकेट का मुजाहरा। नानू एक टैलेंटेड गेंदबाज है, अगली गेंद स्लॉग स्वीप करना चाहे थे, बाल बाल बचे, विकेट के नजदीक जाती हुई गेंद, डायरेक्ट हिट किया, अंपायर से अपील और यहां पे एक अलग क्रिकेट जहां पे एक रन की भी गुंजाइश नहीं थी, अब तक दो रन और ये तीसरी रन भी पूरा कर लिया, कुछ जरूरत नहीं थी, विकेट लेने की चाह इच्छा जागृत हो गई और यहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे तीन रन दे बैठे सामने वाली टीम को। क्या कहेंगे अजय जी? देखो हमारे एक गुजरात में गुजराती में कहावत है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, मतलब जैसे अपना समय उस तरह का जैसे चल रहा है उसी प्रकार से अभी उठो क्या तो एक्स्ट्रा रन दिए वो,
तो इस तरह से थ्रो अभी आपको रोकना है, मतलब जहां तक कम से कम यहाँ पे स्कोर और आपको मतलब आगे जीतना, क्योंकि देखो आप मेरे ख्याल से जो एमपीएल की जो मैच हो रही थी, लीग मैच जो हुई, उसमें तीनों तीन मैच जीत के आई थी। इस बार ऑफस्टिक के नजदीक से जाती हुई टीम, ये गेंद और किस आखिरी गेंद रहेगी, एक आखिरी गेंद है, एक वाइड गेंद डाली थी, चौथी गेंद जो डाली थी गेंदबाज नानू द्वारा, वो वाइड थी, 15 रन कुल स्कोर, आखिरी गेंद संजू के लिए नानू। इस बार ऑफस्टिक से काफी बाहर कटी हुई गेंद, रिटर्न क्रीज को छोड़ती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त के स्वरूप एक रन का इजाफा, कुल स्कोर 16 पे। राजेश जी पाटिल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमसे जुड़ेंगे। इस बार स्क्रूप का प्रयास और विकेट का पतन, इस तरह संजू की खेली का समाप्त। मेरे मुगल से इस गेंद को छेड़छाड़ न करते हुए अच्छी सीधे ब्लेड से खेलता है तो संजू विकेट भी बचा सकता था और रन भी अर्जित कर सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा चतुराई पूर्वक क्रिकेट खेलने का प्रयास, स्कूप करने का प्रयास किया था, नसीब ने साथ दिया नहीं और उसके पारी का अंत हो गया। क्या कहेंगे अजय जी? वही मेरे ख्याल से आपने देखा होगा जो उसे लास्ट में जो खेला था संजू ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी की थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ठंडे दिमाग से खेलना चाहिए था उसको, वो जिस तरह से खेले, क्योंकि देखो वो सामने से जय अच्छे अपनी बैटिंग का मतलब नजारा कर उसको 16 रन आप प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा शांत रहना चाहिए था। जिस तरह से आप इंटरनेशनल में मैच देखते हैं कि एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो दूसरा वो शांति से ही रहता है, तो मेरे ख्याल से उस तरह से खेलना चाहिए था। तो लेकिन थोड़ी घाय की तो शायद आपको यहाँ पे भुगतना भी पड़ सकता है। 16 रन बताया ना, तीन बार बताया, आपका ध्यान होना चाहिए कमेंटेटर के ऊपर। महेंद्र आए, महेश, महेश अपनी तरफ से पहली और टीम की तरफ से दूसरी ओर डालने का प्रयास करेंगे। दाहियात के बल्लेबाज जय के लिए यश साथ देंगे उनका। रिवर्स खेलने की चाह जताई, भाग्य ने साथ नहीं दिया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। यहाँ पे डॉट के रूप में विकेट कीपर के दास्ताने में जाती हुई गेंद, कुल स्कोर 16, लॉस ऑफ वन विकेट, सन्नी 11। अगली गेंद महेश, इस बार शफल क्रॉस होकर खेलने का प्रयास, चूके फिर से एक बार भाग्य ने साथ नहीं दिया जय का, फिर से विकेट कीपर सक्षम थे, काफी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिदा, डॉट के रूप में महेश द्वारा ये गेंद का, महेश फिर से एक बार सीधे विकेट के ऊपर जाती हुई, अराउंड लेग क्लीन बोल्ड हो चुके हैं जय, जय के पारी का अंत। थैंक यू डीजे। और मैं मोरी जी में बता रहा था कि देखो जिस तरह से संजू ने बैटिंग की वो मतलब काफी लदा थे लास्ट टाइम में, लेकिन अभी जिस तरह से आउट हुए शुभमान के कोशिश में, वो शायद ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका खारीवाड के लिए हो सकता है। खुद तो आउट हुए, उसके पास अभी देखो मेरे ख्याल से जय भी लौट चुके हैं। अभी देखना है कि पहले 6 गेंद में